इंतखाबी नतीज की तैयारी और ऐलान ने मुनज़्ज़म इलेक्शन को गहना दिया है। मुबस्सरीन को निफ्स आरओ दफातर में नतीज तैयारी में रसाई नहीं दी गई। नामुकम्मल मालूमात पर नतीज अखज़ किए गए। शफाफियत पोलिंग स्टेशन पर तो कायम रही लेकिन आरओ के दफ्तर पर शफाफियत पर समझौता हुआ। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने इलेक्शन पर इब्तदाई मुशाहिदा रिपोर्ट जारी कर दी। फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन ने इलेक्शन पर इब्तदाई मुशाहिदा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक यकसा मौके न मिलने और दहशतगर्दी के खतरात के बावजूद सियासी जमातों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। 5 करोड़ से ज्यादा अफराद ने वोट डाला। टर्नआउट 48% रहा। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी मशक को मुनक्किद किया जो काबिले सताइश है लेकिन नतीजे की तैयारी और ऐलान में ताखीर ने नतीजे की साख पर सवाल उठा दिए। रिपोर्ट के मुताबिक मुबस्सरीन को निसफ आरओ दफातर में रसाई नहीं दी गयी। 25 हल्कों में मुस्तरद वोटों का मार्जन जीत के मार्जिन से ज्यादा था। इस बार भी 16 लाख बैलेट पेपर्स मुस्तरद हुए। 29% पोलिंग स्टेशन के बाहर फॉर्म 45 आवेजा नहीं किए गए। 130 हल्कों में आरओज ने मुबस्सरीन को मुशाहिदा नहीं करने दिया। शफाफियत पोलिंग स्टेशन पर कायम रही लेकिन आरओ के दफ्तर पर शफाफियत पर समझौता हुआ। फाफिन के मुताबिक ज्यादातर सियासी जमातें अपना वोट बैंक बरकरार रखने में कामयाब रही। इंतखाबात से मुल्क में बेयकीनी का दौर खत्म हो गया है। सियासी जमातों की जिम्मेदारी है की मुल्क में इस्तेहकाम को यकीनी बनाए। उम्मीदवारों के नतीजे पर तहफ़ुज़ात इलेक्शन कमीशन को जल्द हल करने की जरूरत है।